हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद येट अनदर इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन द टॉपिक रस जुडिकाटा वर्सेज इस्टॉपल इन सी पी सी नाइनटीन हंड्रेड एंड एट क्या डिफरेंस है रस जुडिकाटा और इस्टॉपल के बीच में ये समझना है जनरली द डॉक्ट्रिन ऑफ रस जो इज ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ स्टॉपल इवन दैन रस जो डिकाटा डिफर्स फ्राम स्टॉपल इन मैनी आस्पेक्ट्स तो ये हमको पता होना चाहिए कि रस जो डिकाटा एक तरह का स्टॉपल जो लॉ ऑफ स्टॉपल है उसी का प्रकार है उसी की ब्रांच है फिर भी ये फ़र्क है स्टॉपल से तो आखिर फ़र्क क्या है डॉक्टर ऑफ रस डोडिकाटा डिफर फ्राम स्टॉपल मेनली इन नॉट रिजल्टिंग फ्राम एन एक्ट ऑफ द पार्टी हिमसेल्फ बट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वेर एज द स्टॉपल इज द एक्ट ऑफ द पार्टी हिमसेल और हर सेल तो रेस जो डी काटा जो है वो पार्टी के खुद का एक्ट का रिजल्ट नहीं है इट इज़ रिजल्ट ऑफ एक्ट विच इज़ फ्रॉम द डिसजन ऑफ द कोर्ट कोर्ट की तरफ से आता है ये जबकि इस्टॉपल इज द एक्ट ऑफ पार्टी स्टॉपल जो है पार्टी करती है पार्टी की तरफ से आता है Moreover, the rule of res judicata proceeds on the ground of public policy, that is, there should be an end to the litigation, while the rule of estoppel proceeded upon the doctrine of equity, that is, that one should, who by his conduct has induced another to alter his position to his advantage, to his disadvantage. कैनॉट बी अलाउड टू टर्न अराउंड एंड टेक एडवांटेज ऑफ सच ऑल्टरेशन इन अदर्स पोजिशन मतलब क्या हुआ कि रूल ऑफ रस डिकाटा आगे बढ़ता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी कौन सी पब्लिक पॉलिसी पब्लिक पॉलिसी इस प्रकार की कि देर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन कोई भी प्रकरण कोई भी स्यूट है कोई भी लिटिगेशन है उसका कम से कम खात्मा तो होना चाहिए कभी ना कभी तो वो ख़त्म हो जाए इस पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड होता है वो और इसी पे प्रोसीड करता है वाइल द रूल ऑफ़ स्टॉपल प्रोसीडेड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी जबकि रूल ऑफ़ स्टॉपल जो है वो बराबरी के प्रिंसिपल पे चलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी कौन सा डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी को आप कैसे समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति अपने किसी भी एक्ट या कार्य या कंडक्ट के द्वारा उसने कुछ ऐसा किया है कि दूसरे व्यक्ति की जो पोजीशन है वो उसी के ख़िलाफ़ हो गई है उसको नुकसान हो गया है। तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो वापस जाए और उस व्यक्ति के जो डिसएडवांटेज उसने किया है उसका फिर से फ़ायदा ले सो स्टॉपल इज़ बेस्ड ऑन दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी यानी कि कोई भी व्यक्ति रोक लगा सकता है अगर उसके साथ कुछ गलत होने वाला हो रहा है द स्टॉपल इज़ अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस स्टॉपल अपने आप में जो है लॉ ऑफ एविडेंस का हिस्सा है जबकि अभी मैंने बताया था कि रेस्टिकाटा इज द ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ स्टॉपल एज प्रोवाइडेड इन इंडियन एविडेंस एक्ट इट प्रिवेंट्स अ मैन फ्रॉम सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड ऑपोजिट एट द अदर टाइम तो बहुत स्टॉपल का सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते कि एक समय पर आप खड़े होकर के कुछ कह दें और फिर दूसरे समय पर आप खड़े होकर के कुछ और कह दें तो स्टॉपल आपको इस बात के लिए स्ट्रिक्टी टाई अप कर देता है स्ट्रिक्टी मना कर देता है वाइल रस एड कैटअप प्रिक्लूड अ मैन फ्रॉम एजिटेटिंग द सेम थिंग इन सक्सेसिव लिटिगेशन जबकि रेजिकाटा का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि वो लिटिगेशन ख़त्म होना चाहिए इसलिए एक ही बात को बार 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 आप कोर्ट में ले कर के नहीं जा सकते द रूल ऑफ रेजिकाटा प्रोहिबिट्स एन इंक्वायरी इन लमीन विच मीनस एट द थ्रेश होल्ड एंड आउट्स द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केस वाइल स्टॉपल इज ओनली अ रूल ऑफ एविडेंस रेजडो डिकाटा प्रोहिबिट करता है मना करता है एकदम आखिरी समय में आप इंक्वायरी के लिए फिर से कह दें तो ऐसा रेजिकाटा मना कर देता है जबकि इस स्टॉपल तो केवल लॉ ऑफ एविडेंस की बात है आप प्रूव दीजिए आप स्टे लीजिए आप रोक दीजिए अगला आपके साथ गलत नहीं कर सकता द डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिटिकाटा इज बेस्ड ऑन द प्रजम्पन द डिसीजन गिवेन इन द फॉर्मर सूट इज़ ट्रू वाइल द स्टॉपल प्रिवेंट्स अ पार्टी फ्रॉम रिवोकिंग वॉट ही हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड एज ट्रूथ रेजिकाटा बेस होता है एक प्रजम्पशन पे एक प्रिज्यूम्ड एजम्पन पे कि जो डिसीजन पहली वाली सूट में दिया है वो सही है वो सत्य है जबकि स्टॉपल पार्टी को रोकता है प्रिवेंट करता है अपनी ही बात से मुकरने पर वो अपनी ही बात को रिवोक नहीं कर सकता है जिस बात को उसने किसी पहले समय में ट्रू कहा हो सो दिस वाज The basic and major difference between stopple and rashtrakata. I hope this difference is clear to you. Keep learning. Stay blessed. Bye bye for now.